की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। भीम आर्मी के प्रमुख आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। गोरखपुर शहर सीट से आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने अपना नामांकन दाखिल किया है। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने के बाद चंद्रशेखर आजाद बोले कि मेरी जीत पक्की है। तो ये सीट से आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने नामांकन पत्र है वो दाखिल किया है आजाद समाज पार्टी की तरफ से। गोरखपुर शहर सीट से नामांकन चंद्रशेखर ने दाखिल किया है और नामांकन के बाद बोले मेरी जीत पक्की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर शहर से। यहां पर बीएसपी ने अपना ख्वाजा शमसुद्दीन को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से शोभावती शुक्ला को मैदान में उतारा है, वो महिला प्रत्याशी है। कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। आजाद समाज पार्टी की तरफ से कुछ चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के सामने ही चंद्रशेखर आजाद ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और चुनाव लड़ने का ऐलान किया। देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर का ये चुनाव